हेलो दोस्तों, आज हम अपने प्रीमिक्स के 13th सेशन में और आज एक स्पेशल सेशन है विच इज कॉल्ड योर जजमेंट स्पेशल। तो आपने बहुत सारी जजमेंट्स अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स के दौरान सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में सुना होगा आपने, गोलकनाथ केस के बारे में सुना होगा। तो यूजुअली क्या होता है, हम इन केसेस को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज तो कर पाते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सी स्टेटमेंट किस केस के साथ एसोसिएटेड है वो कहीं ना कहीं हमें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में थोड़ी बहुत भूल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने न्यूज़ में सुनी होती हैं पर उनके केसेस के बारे में आपको पता नहीं होता है ना। तो वी हैव कंसोलिडेटेड आज वो सारी जजमेंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारी जजमेंट्स अगर तो आपको प्री में सवाल आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है कि यू विल नो कि कौन सी जजमेंट किसके से एसोसिएटेड है, तो वो दो नंबर आपके हाथ में आ जाते हैं। जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मेंस में जब इन जजमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे सवाल आते हैं तो जजमेंट्स कोट करना वहां पे बहुत जरूरी है ना। अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है, हो सकता है वहां पे केशवानंद भारती केस को रेफर करना जरूरी हो, तो अगर आप इन जजमेंट्स को वहां रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंक्रीज होता है, राइट। सो जजमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। तो आपको ये सारी जजमेंट्स कंप्लीटली याद होनी चाहिए, नॉट दी होल जजमेंट बट एटलीस्ट द बेसिक टेक्स्ट की कौन सी जजमेंट किस केस को रेफर कर रही है, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता है, राइट। प्रीलिम्स और मेंस के कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रही हैं। आई होप आप ये सारे कोर्सेज ले रहे हैं बिकॉज ये कोर्सेज बहुत ही प्रैग्मेटिकली डिजाइंड है सो दैट आप अपना कोर्स बहुत ही जल्दी और बहुत ही एलाबोरेट तरीके से कवर कर सके, ठीक है जी। ओके, अपने सवालों पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी एसोसिएटेड विद पैसिव यूथनीशिया। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि एक्टिव यूथनीशिया क्या है, पैसिव यूथनीशिया क्या है ना, मेंस के लिए। और आपको इससे रिलेटेड केसेस तो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो ये जो चीजें नहीं, ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आई हुई है या आपने अपने पॉलिटी में पढ़ी है, और हमने ये सारी जजमेंट्स ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो हर एक चीज को अलग अलग ढूंढने में, हमने एक ही जगह कंसोलिडेट की है। मेक श्योर आप इनके नोट्स बनाएं, मेक श्योर आप थोड़ा बहुत इन पे विकिपीडिया पर रिसर्च करें और इनके नोट्स कंप्लीट करें, ठीक है जी। ओके, सवाल पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी एसोसिएटेड विद पैसिव यूथनीशिया। पहला है अरुणा शानबाग केस, दूसरा है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता हो सकता है आपको इसका आंसर ना पता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। प्रीमिक्स हम बनाते ही इसलिए हैं कि वो टॉपिक्स जो आपसे छूट जाते हैं एटलीस्ट वो टॉपिक्स भी आप कवर कर सकें, ठीक है जी। ओके, तो दो मिनट पॉज कीजिए, आंसर के बारे में सोचिए। और आपका आंसर है अरुणा शानबाग केस। तो अरुणा शानबाग केस इज एसोसिएटेड विद पैसिव यूथनीशिया। तो अगर आपको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता गो बैक टू विकिपीडिया, थोड़ा सा ब्रीफ आप देख लीजिए कि इस केस में क्या हुआ था और किस चीज के बारे में था। यूजुअली मेंस में तो केस का नाम कोट करना इज सफिशिएंट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए मेंस के समय में कि अगर मेरे पास पैसिव यूथनीशिया से रिलेटेड सवाल आया है तो मुझे कहीं ना कहीं अरुणा शानबाग केस को कोट करना है। और बाकी अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है तो इट्स अ डायरेक्ट टू मार्कर जो आपको मिस नहीं करना है। ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस में आपके मार्क्स मिस ना हो, इसीलिए एक जजमेंट स्पेशल बनाया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मेक श्योर यू मेक नोट ऑफ ऑल दिस समवेयर, ठीक है जी। ओके, तो जो दो बाकी केसेस बच गए हैं ना, श्रेया सिंघल, लिली थॉमस, अरुणा शानबाग, इसके बाद में मैंने आपको यहां पे डेटा दिया है। आप चाहें तो यहां से नोट्स बना सकते हैं या आप चाहें तो विकिपीडिया पे जाके और डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, दूसरे सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रिकॉल हो रहा है दोस्तों, किस चीज से रिलेटेड है या नहीं है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली इनके नोट्स बनाइए। आज का आपका सेशन थोड़ा सा स्टैटिक है, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, पर ये दिया ही इसलिए है क्योंकि यूजली ये सारी जजमेंट्स हमें एक जगह नहीं मिलती है। वी हैव कंसोलिडेटेड इट फॉर यू, और इसको कहीं ना कहीं डेफिनेटली नोट कर लें, ठीक है जी। ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967। तो ऑप्शन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कुड नॉट सॉरी सुप्रीम कोर्ट रूल दैट
पार्लियामेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती किसी भी फंडामेंटल राइट जो कि इंडिविजुअल्स को मिलता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्या है, दिस केस चैलेंज द मुस्लिम पिटिशन लॉ. थर्ड क्या है, इट एनलार्ज्ड द स्कोप ऑफ सेक्टर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट टू हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. राइट टू हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है. लास्ट ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के ऊपर डोमिनेंस दी गई. तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए गोलकनाथ केस किस चीज़ से रिलेटेड था और आपका आंसर है इट वॉज रिलेटेड टू दी ऑप्शन वन विच इज सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. ठीक है जी, ओके. तो जो बाकी तीन जजमेंट्स की मैंने यहाँ बात की है ना, कि चैलेंज द मुस्लिम पिटिशन लॉ, एनलार्ज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, ये कौन से केस एसोसिएटेड है ये भी मैंने यहाँ दिया है. तो हमारी कोशिश यही है कि हर एक जजमेंट की यहाँ डिस्कशन हो और आप उनके डेफिनेटली नोट्स बना ले. तो आई हैव गिवन यू कि मुस्लिम पिटिशन लॉ से रिलेटेड जजमेंट ये वाली है ना, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसी मेहता वाली है, एंड देन फर्स्ट जजेस केस इज द केस जिसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी की बात की हुई है. अच्छा, एमसी मेहता केस पर पहले भी आपसे एक बार सवाल किया गया प्रीमिक्स में, ताज ट्रपीजियम केस अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर कि आप अपने प्रीमिक्स को रिपीटेडली रिवाइज करते रहें. ठीक है जी, ओके. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली. ध्यान रखिए इनकरेक्ट वाला बताना है. तो पहला क्या है, फर्स्ट जजेस केस. फर्स्ट जजेस केस क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट 12 इयर्स, है ना. तो ये आपको पता है करेक्ट है क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में ही था. सेकेंड जजेस केस. सेकेंड जजेस केस क्या कहता है, वर्डिट गेव बैक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पावर ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स. थर्ड जजेस केस क्या कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट चेक विद फोर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू शेप हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स. डी क्या है, नन ऑफ द अबव. फर्स्ट जजेस केस क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी, है ना. सेकंड जजेस केस क्या कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर वापस दे दी गई जुडिशियल अपॉइंटमेंट की. पहले में क्या है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस कर दी कि नहीं भाई एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होगी. सेकंड जजेस केस में क्या हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जुडिशरी को पावर दे दी गई वापस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स की. और थर्ड जजेस केस में बना दिया गया कि चीफ जस्टिस इंडिया को चार सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट को जज से डिस्कस करना पड़ेगा टू शेप हिज ओपिनियन. किस चीज पर ओपिनियन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स पे. तो दो मिनट पॉज कीजिए, सोचिए कि क्या ये तीनों सही मैच किए हुए हैं, क्या सेकंड वाला फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए या थर्ड के साथ मैच होना चाहिए. दो मिनट सोचिए, राइट. तो आपका आंसर है नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केस तीनों ही करेक्टली मैच किए हुए हैं. मेक श्योर यू राइट इट डाउन समवेयर. ये ऐसे क्वेश्चन में हेल्प करते हैं जहां पर आपको हो सकता है जीएस पेपर 2 में सवाल आ जाए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो इशू हमेशा से रहा है कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट में किसका हाथ ज़्यादा होना चाहिए, क्या जुडिशरी का क्या एग्जीक्यूटिव का. तो वहाँ पे ये तीनों केसेस आपको डिस्कस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल आ जाए तो इट विल बी वेल एंड गुड. अगर प्रीलिम्स में नहीं भी आता तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के इशूज़ के ऊपर तो ये तीनों केसेस आपको डेफिनेटली मेंशन करने हैं. ठीक है जी, ओके. अगले सवाल पे आते हैं, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994. तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि क्या इस ये मेजर रेपरकशन था इसका सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, क्या इस जजमेंट की वजह से सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई चेंज आया या कोई इफेक्ट हुआ, राइट. क्या इसने क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को डिफाइन किया. आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था किसी आर्टिकल में 14 या 15 में क्रीमी लेयर, है ना. तो कभी कभी हम इससे भी रिलेट कर देते हैं. तो थर्ड क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, की बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर,
है ना। तो देखो ये सारी चीजें ना हमने कहीं ना कहीं सुनी है, पर हमें दो नंबर कब मिलेंगे, जब हमें एग्जैक्टली पता होगा एसआर बोम्मई से क्या हुआ है। तो आपका आंसर है इट हैड मेजर रेपरकशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो एसआर बोम्मई केस किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड है। तो यदि प्रीलिम्स में सवाल आता है वेल एंड गुड, अगर मेंस में सेंटर स्टेट रिलेशन में इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो वो भी यू शुड बी एबल टू टेल। ठीक है जी, ये डेफिनेटली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा बाकी जो तीन जजमेंट है, फॉर एग्जांपल क्रीमी लेयर की जजमेंट के बारे में यहां मैंने दिया हुआ है ना, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ये तो चीजें आपने सुनी हुई है, तो इनके बारे में भी यहां डिस्कशन किया हुआ है सो दैट आपको नोट्स बनाने में कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है जी, ओके आज के आखिरी सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट बताना है आपको। पहला है, पहला केस है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अप्रैल 2014। तो इस केस से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर, कि ट्रांसजेंडर्स अब थर्ड जेंडर होंगे, क्या ये इस केस में बताया गया है। नेक्स्ट IR कोएलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, राइट। तो इसके साथ क्या मैच करने के लिए दिया हुआ है कि इफ अ लॉ इज इंक्लूडेड इन नाइन्थ शेड्यूल इट कैन स्टिल बी एग्जामिन्ड एंड कन्फ्रंटेड इन कोर्ट। शायद आपने जब इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चीजें डाल दी जाती थी इट कुड नॉट बी क्वेश्चन एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, कि मतलब एक समय ऐसा था कि नाइन्थ शेड्यूल में जो डाल दिया कोर्ट में एग्जामिन किया जा सकता ही नहीं था, वो कि डल गया चल तो अब इसको कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट हाँ, टाइम से चेंज, ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिनसे कि अब ये लॉ आया है कि अगर कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया तो तब भी उसको आप एग्जामिन कर सकते हो। तो क्या ये लॉ इस केस से एसोसिएटेड है। थर्ड है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट MLA, MLC और MP हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इज गिवन मिनिमम ऑफ 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, हु वुड लूज मेंबरशिप ऑफ द हाउस विद इमीडिएट इफेक्ट। 2-3 साल पहले ये चीज बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी कि अगर कोई भी MLA, MLC, MP अगर किसी क्राइम के लिए गिल्टी माना जाता है और उसे 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट दी जाती है तो वो उस हाउस की मेंबरशिप भी उसकी उसी समय खत्म हो जाएगी, राइट। तो क्या ये इस पर्टिकुलर केस से एसोसिएटेड जजमेंट है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा है विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो यहां पे विशाखा गाइडलाइंस टू इंट्रोड्यूस बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है विशाखा गाइडलाइंस, तो ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, आई कैन अश्योर यू दिस, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी GS2 में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं या अगर कभी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे एसेज लिखने हैं, है ना, तो वहां पे आप ये चीजें डाल सकते हो कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं ये भी एक पैराडाइम है कि आज अगर उनके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो भी चीजें डिफाइंड है उनमें से कोई भी एक चीज होती है तो दे हैव विशाखा गाइडलाइंस जिनको कि फॉलो करके उस चीज पे एक्शन लिया जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसे में काम आती हैं या आपको मेंस के आंसर लिखने में काम आती हैं, और अगर इन पे प्रीलिम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो 2 नंबर आपने मिस नहीं करने, ठीक है। तो ई है आपका नन ऑफ द अबव, तो ई मैंने जस्ट लाइक दैट डाल दिया सो दैट यू वुड नो कि ये चारों जजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में 10 से 12 या उसमें भी उससे भी ज्यादा जजमेंट्स और उनका थोड़ा बहुत डेटा डिस्कस किया है। मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाए, राइट। इनसे आपको वो छोटे छोटे मार्क्स मिलते हैं जो कि शायद एक दूसरे एस्पिरेंट को करने के लिए और मेहनत करनी पड़े, बिकॉज ही एक्चुअली हैव टू गो एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स, है ना। बट हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, प्लीज आई एम टेलिंग यू फॉर द 100th टाइम इसको डेफिनेटली नोट्स में बनाए और आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सवाल खत्म होते हैं, राइट। तो आज के लिए आपको कोट है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाइए दोस्तों, सिलेबस को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, एक दिन आप देखेंगे कि आपका सारा सिलेबस ईजिली खत्म हो गया एंड इन छोटी छोटी मेहनतों से ही एक दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे एंड यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, ठीक है जी। चलो जी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं दोबारा से अगले प्रीमिक्स के सवालों के साथ। बाय बाय।